नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे जिस बात को लेकर अब चर्चाएं तेज होने लगी हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के लिए कोई साजिश चल रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 के आंकड़े इस समय और बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को अब कहीं न कहीं खटकने लगे हैं योगी आदित्यनाथ। सभी जानते हैं कि दो बार उन्हें हटाने का काफी प्रयास भी हो चुका है और उसमें असफल भी हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर 2024 चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें एक ऐसा खेल खेला जा रहा है या ऐसा खेल खेले जाने की तैयारी की जा रही है जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। अब ये चर्चाएं गांव-गांव होने लगी हैं और बहुत सारे लोग इसको जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें, प्रभावशाली नेता कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्हें हटाने के लिए कितनी पापड़ दिल्ली से बेले गए। आखिर में राम प्रकाश गुप्ता को उनकी जगह पर लाया गया और कुछ दिन बाद राम प्रकाश गुप्ता को भी हटा दिया गया और फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं पूर्व में, और इस बार बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय लाती है। महाराष्ट्र में सबने देखा कि जो मुख्यमंत्री थे उनको उन्हीं के चेले के मुकाबले उन्हें डिमोशन कर दिया गया, यानी कि उनका जो चेला था, उनके जो अंडर में था, उसको सीएम बना दिया गया और जो मुख्यमंत्री थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया। केंद्र की राजनीति जब भी भारतीय जनता पार्टी करती है, अपने राज्यों में जिनके हाथों कमान होती है उनको कमजोर करने का काम हमेशा से होता है। कर्नाटक की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, और यहाँ भी योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो गद्दी पर काबिज हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है। योगी आदित्यनाथ समूचे देश के एक इतने बड़े नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं कि दिल्ली वाले जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी की कमान है उनके लिए खतरे की घंटी महसूस जैसी हो रही है। तो इस बीच बहुत तेजी से चर्चाएं होने लगी कि इस बार योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाकर, और जब वो सांसद चुने जाएंगे वहीं से उन्हें दिल्ली बुला लिया जाएगा, ऐसी अपुष्ट खबरें आ रही हैं। इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सब कुछ संभव है। कौन रातों रात राष्ट्रपति बना दिया जाता है, कौन राज्यपाल बन जाता है और कौन प्रधानमंत्री बन जाता है और किसे मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जाती है, ये कुछ भी नहीं कह सकते। नीचे तो और भी आश्चर्यचकित काम हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके का राज कायम कर रखा है, एक अलग तरीके के उनके अपने प्रशंसक तैयार हुए हैं, ये बात सच है कि उनकी हर धर्मिता और उनके द्वारा अपने ही लोगों की बातें न सुना जाना, नौकरशाही के दम पर सरकार चलाना, ये उनके अपने मंत्रियों, उनके अपने जनप्रतिनिधियों को कतई रास नहीं आ रहा है। और जनप्रतिनिधि हूँ या फिर मंत्री, वो दिल्ली दरबार में सारी बातों को रख रहे हैं लगातार, और दिल्ली दरबार भी उनकी सरकार चलाने में बहुत सारी रोड़ा अटका रहा है, ये भी सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि दिल्ली दरबार वाले मुख्य सचिव नहीं बनने दे रहे हैं, जिसे चाहते हैं उसी को मुख्य सचिव रखते हैं। कौन नहीं जानता है कि DGP के चयन में भी केंद्र की सरकार अपना DGP बिठाना चाहती है। तो बहुत सारे ऐसे विवाद जो अंदर खाने चल रहे हैं,
और बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। यही नहीं, अभी सबने देखा कि पानी पी पी के गरियाने वाले वो नेता, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान, दिल्ली दरबार पहुंचते हैं और वहां उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाता है और वहां से उन्हें आश्वस्त कराया जाता है कि जाइए योगी सरकार में आपको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें मंत्री नहीं बनाते हैं। कई बार ये खबरें आईं कि दीपावली तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन शायद उनके लिए अभी भी मंत्री बनना सपना जैसा बना हुआ है। ये अलग बात है कि वो दिल्ली दरबार पहुंचते हैं, अमित शाह जी का आशीर्वाद लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेते हैं और वहां से बड़े बड़े दावे कर कि मंत्री बनकर ही रहेंगे लौटते हैं, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ ठेंगा दिखा देते हैं। और ठेंगा दिखाया जा रहा है, यही नहीं, दारा सिंह चौहान की हैसियत क्या है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया, एक बड़े चेहरे के रूप में बताया कि पिछड़ों के ये नेता हैं, और उन्हें संगठन में भी जगह दी, उन्हें मंत्री भी बनाया। लेकिन ऐन मौके पर जब दारा सिंह चौहान को लगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और विधायक बन गए, मंत्री नहीं बन पाए। फिर दारा सिंह चौहान पिछले दरवाजे से पहुंचते हैं, केंद्र की राजनीति का आशीर्वाद लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तमाम विरोधों के बावजूद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, संगठन थी, उन्हें घोसी से विधानसभा का चुनाव, वहीं से इस्तीफा दिलाकर और चुनाव लड़ा दिया जाता है। परिणाम क्या आता है, 40,000 से भी ज्यादा मतों से उपचुनाव में पराजय का उन्हें सामना करना पड़ता है और वो सीट पुनः समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद कि कहा जाता है कि पिछड़े मतों का वोट लेना है तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उसमें ओम प्रकाश राजभर की शक्ति का प्रदर्शन भी हो जाता है, क्योंकि ये सारे बड़े नेता चुनाव प्रचार में रात दिन लगे हुए थे और हार गए। अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें शामिल नहीं कर रहे। सभी जानते हैं तमाम ऐसे संगठन में नेता जो दिल्ली दरबार का आशीर्वाद पाकर यहाँ चुनाव लड़ने आए, नौकर शाह हों या अन्य लोग, लेकिन उनकी लगाम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में कैसे ले ली, कैसे लेकर रखी हुई है, और उन्हें उतना ही चलने दिया जा रहा जितना योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं। यह अलग बात है कि नौकरशाही के हाथ में कमान सौंपे जाने से कहीं ना कहीं योगी राज को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो नौकरशाही जिसको ये लगा बीच में कि अखिलेश यादव की सरकार आ सकती है और वो अखिलेश की पार्टी के नेताओं से मित्रता करने लगे थे, और वही नौकरशाही प्रदेश को चला रही है, इसमें कोई संकोच या जरा सा भी इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन चर्चा अब इस बात की भी होने लगी है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर आखिर बैठेगा कौन उन्हें हटाकर। सबने देखा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई बार प्रयास कर चुके हैं, दिल्ली दरबार तक उनकी दौड़ भाग बनी रहती है। इस बार केशव प्रसाद मौर्य रूठे हुए हैं, उन्होंने पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाई हुई है। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे, अन्य लोग भी थे, लेकिन नहीं कोई था तो केशव प्रसाद मौर्य ने। कैबिनेट की बैठक में भी अब केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति नहीं देखी जा रही है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, वो नाराज है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए सवाल उठ रहा है कि उनका मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाने वाला है, ये मान रहे हैं लोग।
तो ऐसे में स्वच्छ छवि का क्या कोई ढूंढ लिया गया है, ये भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच एक बहुत तेजी से नाम उस सांसद का आया जो उत्तर प्रदेश की धरती से छठी बार सांसद बना भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र में राज्य मंत्री है, बहुत ही विश्वास पात्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी की हम बात कर रहे हैं। पिछड़ी जात से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और उन्हें पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त राज्य मंत्री केंद्र सरकार में बनाया। उनको लेकर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद किस कदर उन पर है, ये पिछले दिनों उस समय साबित हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर जाते हैं, पूर्वांचल दौरे पर जाते हैं और योगी आदित्यनाथ के मठ में यानी गोरखपीठ में न जाकर पंकज चौधरी के घर जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, तो कुछ न कुछ खास बात होगी, कोई न कोई ऐसी बड़ी हैसियत है पंकज चौधरी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए उनके यहाँ पिछले दिनों पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी को इसलिए और आगे करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों एक खबर उड़ी बहुत तेजी से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कुर्मी समाज से आते हैं और वो पूर्वांचल से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव का, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, पूर्वांचल से लड़ सकते हैं, उससे कुर्मी समाज में एक मैसेज जाने वाला है और कुर्मी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकता है और इंडिया में नीतीश कुमार के साथ जा सकता है। अब ऐसे में कुर्मी मतदाताओं को रोकने के लिए पंकज चौधरी से बेहतर कौन हो सकता है? पंकज चौधरी जो कुर्मी समाज से, हमने बताया आपको, और कुर्मी मतदाता सीतापुर हो, लखीमपुर हो, आसपास के जितने जनपद हो, इधर बाराबंकी चले जाइए या पूर्वांचल में चले जाइए, वहाँ पर अच्छी खासी तादाद है। और यही एक समाज ऐसा है जो भेड़िया जैसे एक भेड़ चाल होती है उस चाल में चलता नजर आता है। भेड़ चाल उसको कहते हैं कि एक भेड़ अगर आगे चलती है तो सारी भेड़ उसके पीछे पीछे चल देती है। ऐसे ही आप बरेली में देखिए, बरेली में बीजेपी से संतोष गंगवार चुनाव लड़ते थे, बीजेपी से थे, उनके साथ उनका समाज था। जब आप पहुंचते थे लखीमपुर, यहाँ पर रवि वर्मा चुनाव लड़ते थे, वो समाजवादी पार्टी से थे, वहाँ बीजेपी से, यहाँ समाजवादी पार्टी से रवि वर्मा, उनका समाज उनके साथ हो जाता था। सीतापुर में जब बहुजन समाज पार्टी से राजेश वर्मा चुनाव लड़ते थे तो कुर्मी समाज उनके साथ हो जाता था। वही बाराबंकी में जब बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव लड़ते थे कांग्रेस से तो उनका समाज उनके साथ हो जाता था। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ गेम चल रहा है कि क्या वाकई पंकज चौधरी को यूपी की कमान बीजेपी सौंप सकती यानी मुख्यमंत्री बनाने का कोई प्रयास चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर जान सकती है। अच्छे रिश्ते नहीं हैं ये बात निकल कर के आ चुकी है। अब गली हो, चौराहा हो, नुक्कड़ हो, गांव हो, मोहल्ला हो, हर जगह इस बात की चर्चा होती है कि योगी आदित्यनाथ की दिल्ली दरबार से नहीं पटती है और योगी आदित्यनाथ अपनी ही चलाते हैं और वो अपना ही सब कुछ लागू करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का राजयोग क्या कुछ कह रहा है, इसके लिए आज हम खास चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चाएं बहुत तेजी से चल चुकी हैं। और हमारे खास स्टूडियो में फिर एक बार अंक ज्योतिष महाभविष्यवक्ता स्वामी मृदुलाल महाराज जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जो उभरते हुए नेता हैं, आज समूचे देश में पहचान के मोहताज नहीं हैं और कहीं ना कहीं पहले ये चर्चा होती थी कि वहाँ मोदी यहाँ योगी, यानी केंद्र में मोदी या उत्तर प्रदेश में योगी, वो राज कायम हो गया, सच साबित हुआ। अब चर्चाएं ये होने लगती हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ना एक दिन प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्या कहता है उनका राजयोग,
क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, क्या उनका तख्ता पलट होने वाला है या वो काबिज रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर या वो आगे बढ़ने वाले हैं, क्या कहता है? आई इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का जो जन्मांक है वो इस समय इतना खराब नहीं है कि जो चर्चाएं जानकारी में आ रही हैं। गुरु उनका, योगी आदित्यनाथ का जो गुरु है, जो राजा बनाता है, और वो मठाधीश हैं, गुरु गोरखनाथ के मठ से हैं, गुरु का उन्हें विशेष बल मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के कुछ ग्रहों की स्थिति खराब बन चुकी है। बीजेपी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए अभी ऐसे कोई ग्रह बन नहीं रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद जो है उनके हाथ से छीन लिया जाए। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, दिल्ली दरबार जाते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य को अगर बीजेपी बनाना चाहे तो बना सकती है। इनके पास काफ़ी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा में हैं और 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो इनके पास नजालती है। इनके पास ये बीजेपी, अमित शाह चाहे, जेपी नड्डा चाहे, मोदी चाहे, जिसे चाहे उसे प्रधान मतलब मुख्यमंत्री यूपी में बना सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को यदि वो हटा रहे हैं तो इसका सीधा प्रभाव लोकसभा 2024 पे पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर संतों, महात्माओं, विद्वानों में जो है कोई योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ को 2017 में जो है मुख्यमंत्री थोड़ी बनाना चाहती थी। पहले भी केशव प्रसाद मौर्य का नाम उठा था और केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का भी नाम उठा था कि उनको बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ को हटाना बड़ी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यदि वो मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ हिंदू चेहरा है और एक संत का चोला है, तो सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि फिर उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदूवादी, हिंदू संगठन का बड़ा नेता कौन होगा। समस्या ये रही पंकज चौधरी की बात, जो महाराजगंज से आते हैं, सांसद हैं, तो पंकज चौधरी को चाहे तो बना सकते हैं। पंकज चौधरी नहीं, वो इतने 403 विधायक हैं यूपी में, इतने सांसद हैं, वो जिसे चाहे उसे बना सकते हैं। समस्या बीजेपी के सामने बनाने की कोई नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये पड़ रही है कि ये 403 सीट जो विधानसभा की है इसका तो भी चुनाव है नहीं, आगे चल के उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का चुनाव होना बाकी है। वो कल चाहे योगी जी को कल उनसे सब वापस ले लें कि आपको हम जो है मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं, तो वो तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन समस्या ये है कि आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें हिंदू, तेज हिंदू और प्रबल हिंदू कौन ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ जो है अपने कामों के लेकर चर्चा में है, केशव प्रसाद मौर्य से योगी आदित्यनाथ जो है सहमत नहीं है, तो समस्या ये है कि हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य ना सही हो। भाई समस्या ये है कि वो मुख्यमंत्री रह चुका है 2017 में, योगी आदित्यनाथ उनका कार्य अच्छा था, अगर कार्य अच्छा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें भी नहीं आती। तो भारतीय जनता पार्टी यदि योगी आदित्यनाथ को हटा रही है तो योगी आदित्यनाथ का जो राज्य भाव है तो उनका राज्य भाव में बुधादित्य योग है और राज्य भाव में उनके शनि जो है इस समय प्रबल अवस्था में और शनि जो है उनका राजयोग बरकरार रखे हुए है। योगी आदित्यनाथ को यदि कहीं से हटाएगी भारतीय जनता पार्टी, दूसरे को सीएम पेश बनाएगी, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटें लाए कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो जाए।
ये तो हटाने या ना हटाने की बात है, आपके उनकी कुंडली क्या कहती है, क्या हटाने में जो उनके खिलाफ साजिश जैसा बताया जा रहा है, रची जा रही है, वो साजिशकर्ता सफल होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ पहले की तरह फिर इस बार भारी पड़ेंगे, या पंकज चौधरी का कुछ उदय है आपको लगता है? देखिए, पंकज चौधरी का उदय तो है, लेकिन इतना बड़ा अभी उदय नहीं है कि वो मुख्यमंत्री फेस बना दिए जाए, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है और प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार। देखिए महाराज जी, आपने देखा उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और कुछ ही दिन बाद उनको हटाने पड़े। उत्तराखंड में भी आपने देखा, पूर्व में उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ये कतई नहीं देखती है कि उसका क्या नुकसान होगा। कल्याण सिंह जैसा एक बड़ा नेता उसे हटा दिया मिनटों में और उनकी जगह लाए किसको, राम प्रकाश गुप्ता जी को, तो वो कहीं ना कहीं उसे नुकसान हुआ, फिर राजनाथ सिंह को लाए। नतीजा ये रहा कि 18 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। तो वो ये कहाँ देखती है, राज्यों का आप देख रहे होंगे कि जो राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं उनसे सीधे मुंह बात नहीं हो पाती है, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं केंद्र में बैठे हुए उनके अलंबरदार। तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा कांटा, उनको लग नहीं रहा कि बड़ा कांटा बन रहे हैं, या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ उनकी कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, ये भी चर्चाएं हो रही। तो ऐसे में क्या वाकई में ये उनकी कुंडली में ऐसा लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ का अब राजपाट लिया जा सकता है और उन्हें सौंपा जा सकता है, यानी पंकज चौधरी या फिर अन्य किसी को? इस समय योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जो बेभाव है, तो बेभाव में इनका केतु बैठा हुआ है, और बेभाव का जो केतु इनका है वो योगी आदित्यनाथ के लिए इस समय फलीभूत नहीं हो रहा है। 30 नवंबर आगे आने वाली 30 नवंबर 2023 से और 30 नवंबर 2025 तक ये योगी आदित्यनाथ के लिए राजयोग का ग्रह आगे सही नहीं है। इस समय में कुछ भी किया जा सकता है, मुख्यमंत्री पद से हटाया भी जा सकता है, 30 नवंबर के बाद से कुछ भी हो सकता है इसमें। अच्छा, ऐसा ऐसा कुंडली में है? हाँ, ऐसा कुंडली में योग बन रहा है। बन रहा है, तो ऐसी स्थितियों में योगी आदित्यनाथ को देखना रहेगा कि आने वाले समय में वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और दिल्ली दरबार से जो कुछ साजिश चल रही हो नाकाम रहती है कि नहीं रहती है। फिलहाल जो अंकशास्त्री हैं, भविष्यवक्ता हैं, उनके मुताबिक उनकी कुंडली में आने वाले 2 साल तक, करीब 1 साल तक, 2 साल हो गया, 2 साल तक उनके राजयोग में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या वाकई में दिल्ली दरबार सफल होता है या फिर योगी आदित्यनाथ फिर से जैसे कि 2 बार उन साजिशों को बेनकाब कर अपनी बादशाहत को वो कायम कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, वो बनी रहेगी या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो आप सभी लोग देखते रहिए आई इंडिया, और हाँ, हमें कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि पता चले कि हम कहां पर गलत हैं और कहां पर सही हैं। आगे भी आपसे महाभविष्यवक्ता स्वामी मृदुल्ला महाराज जी आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तो आज हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।